हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज अंक एस बघेल। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो मैं आ गई थी भोपाल, यानी आज की जो डेट है वो है तो आज की जो डेट है वो 17th of December है और आज आश्वत का ब्रांड शूट था भोपाल में। तो मैं आई थी भोपाल और आज ही मैं खजुराहो के लिए निकल रही हूँ, यानी कि भोपाल से ही मेरी बस है खजुराहो के लिए। तो बस मैं अभी रेडी हो गई हूँ, साड़ी वाड़ी पहन ली है मैंने, क्योंकि दोपहर में मैं आ गई थी, शूट ख़त्म हो गया था शाम को, तो मैं शूट ऑफिस से आ गई थी एंड देन अभी मैं निकल रही हूँ खजुराहो के लिए। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मैं जब जबलपुर से निकली थी तो मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि मेरी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा कि अभी स्टार्ट कर देते हैं अपनी बहू वाले रूप में साड़ी वाड़ी पहन कर। मैंने थोड़ा सा लाइट वेट साड़ी रखी है, क्योंकि अभी ट्रैवलिंग है, सुबह 6:30 बजे बस पहुँचेगी छतरपुर और वहाँ से फिर कोई ना कोई रिसीव करने आएंगे, जिस फिर हम जाएंगे घर। तो बस अभी चलिए यहाँ से चेकआउट करते हैं, निकलते हैं। बैग्स वगैरह मैंने नीचे भिजवा दिए हैं, आशित भी नीचे चला गया है, तो चलिए फटाफट से चलते हैं, चेकआउट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं बस स्टैंड के लिए। आशितु, हाँ, अरे अरे कहाँ चढ़ रहे हो? पढ़ाई मत करो, चलो अभी। बिट्टू, बिट्टी, ए, हैं? यहाँ पे आ गई थी मेरी कैब और ये जो भी होटल्स के वर्कर थे उन्होंने मेरा बैग अच्छे से रख दिया था कार में, तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम नहीं हुई कैरी करने में, तो प्रॉपर उन्होंने सेट कर दिया था। एंड उसके बाद हम निकल गए थे बस स्टैंड के लिए और मेरी जो बस थी छतरपुर की वो ISBT भोपाल से थी। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ बस स्टैंड के लिए एंड हम थोड़ी देर बाद, मतलब पास में ही लिया था मैंने होटल, तो हम जल्दी पहुँच गए थे। और यहाँ पे ये देखिए हमारी बस खड़ी है जो कि 10:45 पे भोपाल से निकलने वाली थी और आश्रित भी था साथ में, और उसकी मस्ती तो बस मतलब नेक्स्ट लेवल रहती है उसकी मस्ती। उसको जहाँ भी टाइम मिलता है, मौका मिलता है, वो अपना शुरू हो जाता है। और ये रहा मेरा यहाँ पे लगेज, और इस बार काफ़ी लगेज हो गया था क्योंकि बहुत सारे कपड़े रखने पड़ रहे थे, क्योंकि मैं एक हफ्ते के लिए जा रही थी खजुराहो। और उसके बाद फिर बस निकल गई थी, हम बैठ गए थे बस में और ये रही हमारी बस, जो कि अंदर से कुछ ऐसी थी, काफ़ी कलरफुल थी, और ये रही सीट, काफ़ी कंफर्टेबल थी और काफ़ी अच्छी बस थी, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई ट्रैवल करने में। एंड उसके बाद आशित को आ रही थी नींद, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया था शूट में, तो यहाँ पे वो मुझे परेशान कर रहा है कि मुझे सोना है। तो मैंने कोशिश करी उसे सुलाने की, बट वो थोड़ी देर बाद फिर उसने रोना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे देखिए इन भाई साहब का रोना शुरू हो गया है, मतलब मैं मुझे कंफ्यूज कर रहा था कि उसको सोना है या व्यू एंजॉय करना है, क्योंकि बार बार लाइट्स बंद हो रहे थे, तो वो आई डोंट नो क्यों, बट चिढ़ रहा था कि लाइट्स क्यों बंद हो रहे हैं, मुझे बाहर देखना है। और यहाँ पे मैं अपने आप को भी थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी और लाइट देख रही थी कि लाइट कहाँ पे प्रॉपर आ रही है, जिससे कि मेरा फेस थोड़ा सा दिखाई दे। एंड थोड़ी देर बाद हमारी बस निकल गई थी भोपाल से छतरपुर के लिए और थोड़ी देर बाद आश्रित ने अपना काम शुरू कर दिया, यानी व्यू एंजॉय करने का, उसने व्यू एंजॉय किया। और एक चीज़ अच्छी थी कि वो सोया नहीं, तो मतलब मेरा टाइम पास हो गया, अदरवाइज़ मुझे नींद नहीं आ रही थी। और मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था कि मैं कुछ मूवी वगैरह या सीरीज़ वगैरह देख सकती, तो फुल टाइम पास उसने किया मेरा और मेरे साथ ही जगता रहा। और यहाँ पर क्या खा रही है? जल्दी बता क्या खा रही है। अभी बस रुकी है ढाबे में और मैं अभी कॉफ़ी पीऊँगी, कॉफ़ी ऑर्डर करी है एंड आशित को चिप्स दिलाई, क्योंकि उसको थोड़ा सा भूख लग रही थी। और अभी बज रहे हैं रात में 1 और ये वाली बस भी 1 बजे ही रुकती है, मतलब सेम टाइम पे दोनों बसें हैं। अभी सुबह 6:30 बजे पहुँच जाएगी बस हमारी छतरपुर, तो देखते अभी कौन लेने आता है, आई थिंक भैया लेने आएंगे, लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे आ गई है मेरी कॉफी। वेलकम बैक टू माई चैनल विच इज अंक एस बघेल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं।
तो फाइनली मैं आ गई हूँ खजुराहो, यानी मेरे ससुराल। और मैं 18th को मॉर्निंग में आ गई थी। मैं 16th को एक्चुअली भोपाल गई थी, और 17th को वहाँ पे कुछ काम था मेरा, वो शूट वगैरह का वो कराया, और 18th को मैं भोपाल से छतरपुर आ गई थी, मतलब खजुराहो आ गई थी। और उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि 2 दिन से काफ़ी लोग मिलने आ रहे थे, तो बस उनके साथ बैठना, बातें करना, यही सब चल रहा था। तो मैं उस जोन में ही नहीं थी कि मैं कुछ शूट करूँ। और सो फाइनली आज मैं और मम्मी जा रहे हैं मार्केट, और एक दो काम है मार्केट के छोटे छोटे, तो हम लोग थोड़ा सा वो करेंगे, थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह करेंगे। तो मैंने सोचा कि आज मम्मी को भी ब्लॉग में लेके आती हूँ, आप लोग से सबसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ, क्योंकि आप लोग भी सब, बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि जब भी तू अपने मायके जाना या कि ससुराल जाना तो अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाना। मैं कोशिश करूंगी कि मैं बना पाऊँ, देखती हूँ कितना बनता है, क्योंकि क्या होता है ना कि यहाँ पे आके थोड़ा सा मैं डाइवर्ट हो जाती हूँ, और काफी घर में इतने सारे लोग रहते हैं कि टाइम कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और सब लोग मिलने भी आते हैं, क्योंकि मैं काफी दिनों बाद आती हूँ, तो सब लोग आते हैं मिलने, तो उनके साथ मस्ती मजाक, बस ये सारी चीजों में टाइम निकल जाता है और टाइम ही नहीं मिलता। तो मैंने कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाऊँ आप लोग के लिए, और आप लोग से भी शेयर करूँ ये सारी चीजें, क्योंकि जब हम अकेले रहते तो आप लोग सारी चीजें आप लोग देख ही रहे हैं, उसके बाद जब हम फैमिली के साथ रहते तो वो सारी चीजें भी मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं कोशिश करूंगी, तो बस आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। अभी हम लोग मार्केट जाएंगे, फिर उसके बाद जो भी चीजें होंगी आप लोग देखते रहिए। हाय बोल दो ब्लॉग में जल्दी से, हाय बोल दो, हाय बोल दो, हेलो हेलो। अपना घर तो दिखा दो सबको, अपना घर दिखा दो। क्या तो भैया आ गए हैं रिसीव करने, और गाड़ी आ गई है, तो बस अभी हम निकलने वाले हैं मार्केट के लिए। हाँ तो मम्मी है एकदम रेडी, चले मम्मी। हेलो अरे वाह, चलो तो मैं और मम्मी जा रहे हैं, है ना बिट्टू, हैं पचकी। देखो मैं अच्छे से आपका लेती हूँ ना बाहर, चलो मम्मी पैदा दो, चलो बिट्टू चलो। आंटी आंटी जा रहे खाना बनाने। मामी जी आपका फोन आया, आधार इन लोग का करवाना है, मम्मा साहब का, मम्मा साहब। अरे सो के भी नहीं उठा रहे तो क्या, वो चश्मा लगाए ना, अब अच्छे लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहा है, स्मार्ट। ये क्या आ गया? आज तो मैं लेके रहूंगी ब्लॉग में। भैया धीरे से हाय बोल दीजिए, कोई बात नहीं। भैया तो सर, मम्मी आगे बैठो ना। नहीं मेरे को अच्छा लगता था। भैया चाबी कहाँ मिलती गाड़ी की, फिर ऑफिस में उठा लिया भैया अंदर। अच्छा बाहर रख देती ना, मुझे सब पता रहता कहाँ रखी क्या। तो आप लोग रोज जाते ना इसलिए। सो फाइनली हम निकल गए थे मार्केट के लिए, और ये है खजुराहो और यहाँ की गलियाँ। और मैं भी काफ़ी बहुत कम यहाँ पे मैं मार्केट में गई हूँ, आई थिंक एक दो बार ही गई हूँ, बट मैंने आज सोचा कि चलते हैं कुछ शॉपिंग करते हैं, कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी जो कि इम्पोर्टेंट थी, तो हम आ गए थे बस लेने। और आशत था, टुकु भैया थे, मम्मी थी और मैं थे बस। बिट्टू ए बेटी चलो जिम चले जाओ आप, ठीक है चाचू कक्का के साथ जिम चले जाओ, खेलेगा बढ़िया, जिम चले जाओ, हमारा हीरो सुपर। तो भैया 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 इतना जल्दी बंद किए मम्मी। बना रहे इतना सा, अभी सिलेक्शन पहुंच गया। हाँ अभी सिलेक्शन हुआ है, हाँ बड़ा, अब हमको देना चाहिए ना, हम करने लायक तो हम लोग को करना चाहिए। हाँ वो तो है ही, सही लगाना पड़ेगा। भैया मैं आपके हर बार आती हूँ, अभी आप मतलब आपको याद नहीं होगा बट मैं आती हूँ अभी आपके यहाँ पे। सो हमने शॉपिंग वगैरह कर ली थी मार्केट में, और अभी हम आ गए हैं भैया के जिम में, और अभी बोल ही नहीं पा रही अब मैं, और फोटोज वगैरह क्लिक कर ली है, और मैं आपको जिम दिखाती हूँ। ये रहा जिम, हाई राइज जिम खजुराहो, और यहाँ पे चल रहा है आश्वत का फोटो शूट। कितना प्यार है अपने नाती से ना, ये देखो जरा। हाँ हाँ नहीं नहीं ले रहे, नहीं।
उसी के तो मजे है, अब हमको कोई नहीं पूछता है। नहीं कुछ जो भी आपको मन करे। कैसा लग रहा आपको ब्लॉग में? बहुत अच्छा लग रहा आपका ब्लॉग देखने में। हाँ मुझे भी चांस मिल गया ब्लॉग में आने का। ब्लॉग में सब लोग देखते ना तो अच्छा लगता। क्या कर रहे बेटू? बेटू क्या कर रहे तुम? किसका जिम है ये बता दो जल्दी सबको, किसका जिम है? तो जिम से अभी हम जा रहे हैं बाहर फिर से किसी के यहाँ पे, तो चलिए आप भी चलिए हमारे साथ। सो हम आ गए हैं अभी घर वापस और अच्छे से शॉपिंग वगैरह कर ली है, एक दो जगह घूम लिया है, दीदी लोग रहती हैं उनसे मिल लिया है अच्छे से और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं बट वहाँ पे ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो लोग मतलब हम लोग बिना बताए वहाँ पे चले गए थे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे ब्लॉग शूट करने में। तो अभी घर आ गए हैं शॉपिंग वगैरह करके सबसे मिल के, तो अभी करेंगे लंच और अभी शाम को भी कुछ लोग मिलने आ रहे हैं तो शायद मैं ब्लॉग शूट कर पाऊँ, तो फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए बस आप बने रहिए ब्लॉग में।